हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो चैप्टर थ्री कंप्रेस्ड एयर सिस्टम से लिया है तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें हम डिस्कस uh, करेंगे कि अगर किसी कंप्रेसर है उसका अगर कैपेसिटी बढ़ाते हैं या उसका एयर फ्लो रेट बढ़ाते हैं तो उसके उस कंप्रेसर के आर पर या पुल्ली डायमीटर पर या पावर कनेक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा कंप्रेसर के इस uh, इस चीज़ पर अपन आज जो है डिस्कस करेंगे तो उसी से रिलेटेड मैंने जो है क्वेश्चन लिया है तो आइए आते हैं क्वेश्चन पर अ सिक्सटीन हंड्रेड एट्टी मीटर क्यूबड रेसिंग प्रोकेटिंग कंप्रेसर इज ऑपरेटेड बाई अ वन सिक्सटी किलो वॉट रेटेड मोटर विथ एन एफिशेंसी ऑफ एटी सेवन परसेंट एंड इज ड्राॅइंग वन फिफ्टी नाइन किलो वॉट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ़ द कंप्रेस्ड एयर इज इंक्रीज बाई हंड्रेड मीटर क्यूब पर आवर due to an additional equipment plant is considering to increase the speed of the compressor to meet this marginal requirement by modifying the compressor pulley size the existing speed and pulley sizes are given below so motor rpm 1400 motor pulley diameter 300 mm compressor rpm 700 rpm कंप्रेसर पुल्ली डायमीटर 600 हंड्रेड एम एम ओके फाइंड आउट दी न्यू पुल्ली डायमीटर एंड आल्सो दी एडिशनल पावर कंजम्पशन आफ्टर इंक्रीज दी स्पीड बेस्ड ऑन दी कैलकुलेशन चेक वेदर द मोटर हैज़ द कैपेसिटी टू हैंडल द एडिशनल लोड ठीक है क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कंप्रेसर है उसका जो एयर एयर फ्लो कैपेसिटी जो है वो है 1680 मीटर क्यूब पर आवर है ठीक है और इस और कंप्रेसर में जो मोटर लगा है उसका जो किलोवाट है वो है 160 किलोवाट का है ना जिसकी एफिशिएंसी जो है 87 परसेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोटर है मोटर का 160 किलोवाट रेटिंग कब है जब जब उसका एफिशिएंसी 87 परसेंट है यानी कि जो मोटर है एट्टी सेवन पर एक सौ की जो है आ, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम कर सकता है ठीक है इसका मतलब यह है कि उस मोटर का जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा होगी यानी कि जब मोटर की एफिशिएंसी अगर हम मानेंगे कि 100% परसेंट है तो उस मोटर का जो रेटेड किलोवाट कैपेसिटी है वो 160 से भी ज़्यादा होगा ठीक है तो ये यह आप यहाँ पर समझ सकते हैं और मोटर कितना पावर ले रहा है जब इतना एयर फ्लो जब इतना एयर फ्लो जनरेट कर रहा है तो तब मोटर जो पावर ले रहा है वो ले रहा है वन किलोवाट ओके ओके द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्प्रेस्ड एयर इज इंक्रीज बाई हंड्रेड मीटर क्यूड पर आवर ड्यू टू एन एडिशनल इक्वमेंट यानी कि अब जो है पहले कितना जनरेट कर रहा था जो कम्प्रेसर है सोलह सौ अस्सी मीटर क्यूड पर आवर ठीक है अब जो है एडिशनल जो है सौ मीटर क्यूड पर आवर का और जो है कन्जम्पन लेना है यानी कि एयर फ्लो को और बढ़ाना है हंड्रेड मीटर क्यूट पर आवर हंड्रेड मीटर क्यूड पर आवर की एडिशनल कैपेसिटी के साथ तो ये हंड्रेड मीटर क्यूड पर आवर और ये सोलह सौ अस्सी ये दोनों जुड़ जाएंगे तब ये हो जाएगा सत्रह सौ अस्सी ठीक है तो सत्रह सौ मीटर क्यूड आवर जो है सत्रह सौ अस्सी मीटर क्यूड पर आवर जो है नया एयर नया जो है कंप्रेसर का कैपेसिटी हो जाएगा ओके तो जब ये कैपेसिटी बढ़ेगा तो इसमें क्या बोला है प्लांट इज कंसाइटिंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्रेसर टू तो मीट दिस मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी कि इस कंप्रेसर का जो ये जो कैपेसिटी बढ़ाना है सत्रह सौ अस्सी मीटर क्यूड पर आवर तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि उसका स्पीड बढ़ाया जा रहा है कंप्रेसर का ठीक है तो स्पीड बढ़ाने से क्या होना क्या करना तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कंप्रेसर का जो पुलिस साइज़ है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है अगर हम कंप्रेसर का स्पीड बढ़ा रहे हैं तो एन टू बाई एन वन इक्वल टू डी वन बाई डी टू के फार्मूला के हिसाब से अगर स्पीड बढ़ेगा तो डायमीटर कम होगा ठीक है तो यहाँ पर जो कंप्रेसर का पुलिस साइज है वो पहले से कम हो जाएगा ओके तो और क्या है ये कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं ठीक है ओके मोटर गार पी एम मोटर पुलिस डायमीटर तीन सौ कंप्रेसर आर पी एम सात सौ आर पी एम कम्प्रेसर पुलिस डायमीटर छः सौ एम एम ये सब दिया हुआ है ओके तो फाइंड आउट क्या करना है अपने को फाइंड आउट ये करना है कि जो नया पुली का डायमीटर होगा वो क्या होगा वो फाइंड आउट करना है और यही फाइंड आउट करना है कि जो एडिशनल पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा वो फाइंड आउट करना है ठीक है ओके मतलब जब इसका कैपेसिटी बढ़ेगा तो पावर ही बढ़ेगा तो पावर कितना बढ़ रहा है वो भी फाइंड आउट करना है ठीक है और क्या फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन चेक वेदर दी मोटर हैज़ द कैपेसिटी टू हैंडल द एडिशनल लोड यानी कि अगर मोटर का पावर बढ़ता है तो क्या हमारा जो ये मोटर है कौन सा मोटर 160 किलोवाट का जो मोटर है जिसकी एफिशिएंसी एट्टी सेवन एट्टी सेवन परसेंट है वो जो एडिशनल पावर जितना भी बढ़ रहा है है ना उस एयर फ्लो को बनाने के लिए तो क्या ये जो मोटर है वो कैपेबल है उस एयर एयर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए वो अपने को फाइंड आउट करना है ठीक है ओके तो आइए पहले कुछ आपको मैं फॉर्मूला कंप्रेसर के लिए समझा देता हूँ फिर इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं देखिए जो कंप्रेसर है कंप्रेसर के लिए क्या होता है अगर उसका एयर फ्लो बढ़ता है ठीक है तो उसका जो आर पी एम है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा ठीक है यानी कि क्यू वन बाई क्यू टू इक्वल टू एन वन बाई एन टू हो जाएगा मतलब कि अगर एयर फ्लो बढ़ाएंगे तो कंप्रेसर का आर पी एम भी प्रोपोर्शनली बढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो Q1 वन बाई क्यू टू इक्वल टू एन वन बाई ठीक ओके सेकंड क्या है अगर कंप्रेसर में अगर पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है या आर बढ़ रहा है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि उसका पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा यानी कि पावर कंजम्पशन प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर यानी कि अगर कंप्रेसर में आर बढ़ा रहे हैं तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा ठीक है तो P2 टू बाई पी वन इक्वल टू एन टू बाई एन तो अगर तीनों को समाप्त कर लें Q, N, P, N इसको समाप्त कर लें तो आप समझ सकते हैं कि अगर एयर फ्लो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ाना पड़ेगा और अगर आर बढ़ेगा तो पावर कंजम्शन भी बढ़ेगा ये एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है ठीक है तो इसी से ही ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा तो आइए आते हैं सॉल्यूशन पर देखिए इनिशियल फ्लो कितना दिया हुआ था सोलह मीटर क्यूड पर आवर दिया हुआ था अब हमने क्या कहा कि इसका जो इनिशियल फ्लो है उसको बढ़ा करके 100 सौ मीटर क्यूट पर आवर जो है एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो जब एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो ये सोलह सौ के साथ 100 मीटर क्यूट पर आवर जुड़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा सत्रह सौ मीटर क्यूड पर आवर हो जाएगा ठीक है ओके तो ये जो सत्रह सौ मीटर मीटर पर आवर हुआ है तो हमको इसके हिसाब से जो है ये पता करना है कि जो कंप्रेसर का पुल्ली है वो कितना होगा स्पीड कितना होगा और एडिशनल पावर कनेक्शन जो है वो कितना होगा ठीक है ओके तो शुरुआती आर क्या था इनिशियल आर कितना था सात सौ था ठीक है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कंप्रेसर आर कितना दिया हुआ है सात सौ दिया हुआ है ओके तो इनिशियल आर पी इक्वल टू सात सौ आर ठीक है अब मॉडिफाइड आर क्या हो गया ठीक है जब इसका फ्लो बढ़ गया तो उसके बाद अब आर्मी क्या हो जाएगा तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था क्यू वन बाई क्यू टू इक्वल टू एन वन बाई एन टू ठीक है तो एन टू निकालना है तो यहाँ पर इसके फार्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू टू बाई क्यू वन इन टू में आ जाएगा एन वन मतलब एन वन बाई मतलब एन टू बाई एन वन इक्वल टू क्यू टू बाई क्यू वन तो एन टू जब लेंगे तो एन वन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू टू मॉडिफाइड जो एयर फ्लो है वो कितना हो आ जाएगा आ जाएगा सत्रह सौ अस्सी यहाँ पर पुट कर देंगे डिवाइड बाई इनिशियल कितना था एयर फ्लो सोलह सौ अस्सी था एन एन वन कितना है सात सौ तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो आएगा आर पी एम वो आएगा सात सौ बयालीस आर पी एम तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आर पी एम कितना था सात सौ था और आर पी एम बढ़ के सात सौ बयालीस हो गया है तो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि हमको जो है नया आर पी एम क्या है वो फाइंड आउट करना है ठीक है बट क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपने को इसको भी सॉल्यूशन के लिए निकालना पड़ेगा तो इसलिए हमने जो है इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने के लिए निकाला है ठीक है ओके इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है तो नया आर कितना हो गया सात सौ बयालीस आर ठीक है अब जो नया पुलिस नया पुलिस डायमीटर है वो कितना हो जाएगा तो हम फार्मूला जानते हैं कि डी टू बाई डी वन इक्वल टू एन वन बाई एन टू होता एन वन बाई एन टू होता है तो डी टू क्या हो जाएगा डी टू हो जाएगा एन वन बाई एन टू इन टू डी वन तो एन वन क्या था इनिशियल आर पी एम कितना है सात सौ आर पी एम है और जो बाद में जो मॉडिफाइड आर पी एम है वो कितना है सात सौ बयालीस आर पी एम है नया आर पी एम ठीक है इन टू डी वन डी वन यानी कि जो इनिशियल में जो इसका जो डायमीटर है वो कितना था वो था 600 सौ mm, एम ठीक है अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो कंप्रेसर पुलिस डायमीटर हो कितना है 600 सौ mm है ठीक है तो 600 सौ mm हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ तो डी टू मतलब कि जो नया डायमीटर आएगा वो कितना आएगा पाँच सौ mm आएगा ठीक है मैंने अभी आपको बताया था कि चूँकि हम जो है कंप्रेसर का स्पीड बढ़ा रहे हैं ठीक है एयर फ्लो को बढ़ाने के लिए तो स्पीड बढ़ेगा तो डायमीटर कम होगा तो यहाँ पर जो पहले डायमीटर था 600 था जो घट करके कितना हो गया पाँच सौ mm हो गया ओके ओके अब अब जब मोटर का आर बढ़ गया है तो उसका पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा ठीक है तो उसके लिए अपन फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे मॉडिफाइड मोटर पावर कंजम्पशन तो वो आ जाएगा P2 टू बाई पी वन इक्वल टू एन टू ठीक है तो P2 फिर क्या हो जाएगा N2 टू बाई एन वन इन हो जाएगा ठीक है अब N2 यानी कि जो आर पी एम अभी हमारा आया है मॉडिफाइड आर वो कितना आया सात आया है है ना आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने सॉल्व किया था आर वो कितना था? आया था मॉडिफाइड आर पी आया था ठीक है तो सात हमने जो है यहाँ पर पुट कर दिया डिवाइड बाई इनिशियल आर पी था इन् टू पी ठीक है आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग पावर कंजम्पशन है वो कितना हो रहा था या शुरुआती पावर कंजम्पशन वो कितना हो रहा था वो हो रहा था एंड इज़ ड्राइंग वन किलोवाट यानी कि इतना एयर फ्लो जनरेट करने के लिए 159 किलोवाट का जो है पावर कंजम्पशन हो रहा था पहले ठीक है तो यहाँ पर P1 में आ जाएगा 159 किलोवाट तो अभी जो हमने बढ़ाया है कंप्रेसर का कैपेसिटी 1780 मीटर क्यूब पर आवर एयर जनरेट करने के लिए तो अभी का किलोवाट कितना आ जाएगा P2 वो आ जाएगा सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 168.54 किलोवाट आ जाएगा ओके ठीक है यानी कि हमारा नया नया जो पावर कंजम्पशन है वो कितना आ गया 168.54 आ गया पहले कितना था 159 किलोवाट था और अभी जो नया नया किलोवाट है वो आ गया है 168.54 तो अपने को अब ये फाइंड आउट करना है आप क्वेश्चन में देख लीजिए ठीक है तो हमने तो क्वेश्चन पहले जो है पुली डायमीटर भी फाइंड आउट कर लिया है और पावर कन्जन कंजम्पशन भी फाइंड आउट कर लिया है ठीक है ये हमने दो क्वेश्चन दो जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है अब हमको एक और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पता करना है कि क्या इस मोटर में जो पावर आ रहा है उस उस पावर कंजम्पशन को हैंडल करने का कैपेसिटी है तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोटर का जो मैक्सिमम कैपेसिटी था 160 किलोवाट था और उसका जो एफिशिएंसी है कितना था 0.87 पॉइंट यानी कि 87 परसेंट पर मोटर का जो कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी था वो था 160 160 किलोवाट यानी कि मोटर का अगर 100 परसेंट एफिशेंसी अगर अपन एंज्यूम करें तो उसका जो मैक्सिमम किलो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो कितना रहा मैक्सिमम जो किलोवाट लेने का जो क्षमता था वो कितना रहा होगा वो रहा होगा इसको जब सॉल्व करेंगे वन डिवाइड बाई ज़ीरो से तो ये आएगा वन एट्टी यानी कि मोटर की हंड्रेड परसेंट पर जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है किलोवाट कंज्यूम करने का या पावर कंजम्पशन कंज्यूम करने का वो है 183.9 किलोवाट मतलब इतना किलोवाट को वो मैक्सिमम वो ले सकता है ठीक है तो अभी हमारा जो नया किलोवाट आया है वो कितना है 168.54 किलोवाट आया है और मोटर की 100 परसेंट डिफिशेंसी होने पर उसका जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो कितना है 183.9 किलोवाट तो आप देख सकते हैं 183.9 एट्टी थ्री जो है वो मैक्सिमम है तो इतने पावर कंजम्पशन को यानी कि नए पावर कंजम्पशन को जो मोटर है वो झेल सकता है ठीक है तो अपना जो कंप्रेसर है अगर हम उसमें 100 मीटर क्यूब पर आवर एडिशनल जो है वो एयर फ्लो बढ़ाते हैं तो हमको जो है उस कंप्रेसर में मोटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बल्कि पुल्ली डायमीटर को जो है वो छोटा करना पड़ेगा ठीक है मोटर वही रहेगा ओके इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर मैंने लिख दिया है हेंस द मोटर हैव द मार्जिन टू एब्जॉर्व एडिशनल लोड मतलब कि जो मोटर है है ना इसे अपन पहचान सकते हैं कि जो मोटर है वो एडिशनल पावर जो आ रहा है अभी उसको लेने की क्षमता रखता है ठीक है तो थैंक यू आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच